पूर्वांचल या पिछड़ांचल, यह हमारे किसान नेता ने इस एरिया का नाम दिया है। इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये पूरी तरह उस बात को शिद्दत से महसूस करते हैं कि हम लोग पिछड़े हुए हैं और पिछड़ते जा रहे हैं। इसके लिए सरकारें कोई कदम नहीं उठा रही हैं। हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बगैर भी मरे हैं। आप लोग टीवी चैनल पे और समाचार पत्रों में इसे पढ़ा और देखा भी होगा। यह इंसेफलाइटिस हमारे पूर्वांचल के लिए अभिशाप बना हुआ है। हमारे नन्हे मुन्ने इससे मर रहे हैं। हमारे किसान नेता इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। किसान नेता, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझसे जो सवाल किया, ये सवाल तो किसान नेता से ना करके माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए था। लेकिन अगर आप मुझसे सवाल किया तो मैं आपको बताऊं, 14 नवंबर को बाल दिवस है और बाल दिवस के दिन किसान संगठनों ने ये ठान रखा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पैदल पद यात्रा के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी को पत्रक देगा कि ये इंसेफ्लाइटिस से मौतें कब तक होती रहेंगी। और मैं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले माननीय योगी जी को 2011 में जब वो बचपन बचाओ अभियान चला रहे थे, सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ रहे थे इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर, आज बड़ा दुख होता है, आत्मा को बड़ा कष्ट होता है कि जब वो ये बड़े साफ शब्दों में खारिज कर देते हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में मौतें होती ही हैं। अगर इस तरह से यह ओछी मानसिकता या ओछा विचारधारा किसी जिम्मेदार व्यक्ति का होता हो तो ये प्रदेश के लिए किस प्रकार का संदेश जाएगा, और जिन लोगों ने इसकी लड़ाई लड़ा है उसके लिए ये क्या संदेश जाएगा। इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस है और किसान संगठन ने तय किया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पत्रक के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान में लाएंगे कि ये मौतें रुकना चाहिए, अन्यथा लड़ाई किसान संगठन आर पार का लड़ना शुरू करेगा। धरना, धरना आज से नहीं, देश आजाद हुआ है धरने से, धरने के बाद समस्याओं का हल हुआ है धरने से, और यह धरना आज भी होता रहेगा और यह क्रमशः चलता रहेगा। लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। किसानों की समस्याएं तो जड़ बना के बैठी हुई हैं। चाहे कितना हो धरना हो जाए, समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो इसका क्या उपाय है? क्या पूर्वांचल के विकास के लिए क्या पूर्वांचल राज्य बनाया जाए या फिर कुछ और, हम जानना चाहेंगे अपने इस किसान नेता से। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज पूर्वांचल से आते हैं। अगर वो वास्तव में पूर्वांचल के हितैषी हैं, पूर्वांचल के किसानों के सच्चे हितैषी हैं, तो सबसे पहले चुनावी जुमला नहीं बल्कि रियल में हर्टली पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए। और पूर्वांचल राज्य बनेगा तो मुझे विश्वास है कि ये सारी समस्या, गन्ने का, चाहे धान का, चाहे आलू का, दलहन तिलहन, सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे अमल करना चाहिए और हर हालत में पूर्वांचल राज्य घोषित करना चाहिए, और पूर्वांचल राज्य घोषित करके पूर्वांचल के विकास के लिए उनको आगे आना चाहिए।